हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के जो प्रीवियस लेक्चर के दो टॉपिक्स रह गए थे, हम वो पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ सोइल, सोइल मिट्टी की कंजर्वेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, सोइल इज़ द कॉम्प्लेक्स मीडियम। ये एक क्या है, ज़मीन जो आपके क्या ज़मीन जो आपकी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। इट नीड्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन फिक्स क्वांटिटी, जिसको क्या क्या चाहिए होता है, क्रॉप्स और डिफरेंट उसको मतलब प्लांट्स वगैरह को ग्रो करवाने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, एक फिक्स क्वांटिटी की न्यूट्रिएंट्स की, एक फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है, इस यूज टू डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। जो वो क्या करती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है प्लांट्स की, जो आपके प्लांट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रो इन एन एरेटेड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, मतलब जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डिफरेंट एयर ड्रॉपलेट्स बाई मशीन्स के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वो टेक्निक है। तो दूसरी जो आती है वो फूड प्रिजर्वेशन। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड्स। डिफरेंट मुख्तलिफ ऐसे टेक्निक हैं जिससे आप मतलब आपके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। दिस टेक्निक्स आर स्पॉइलेज द फूड, और उन टेक्निक्स में क्या आती है, एक स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का मतलब जो क्या होती है, गलना सड़ना, मतलब फूड ख़राब हो जाना, डैमेज हो जाता है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ख़राब नहीं होता है, ये एक फूड प्रिजर्वेशन की वजह से। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट्स क्वालिटी डस नॉट चेंज। अगर फूड प्रिजर्वेशन की मतलब उस टेक्निक को आपके फूड के ऊपर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, उसकी मतलब जो लाइफ है, फूड की लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है, और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस के उसमें ट्रेवल करवा के दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो पेस्चुराइजेशन एंड सेकंड जो चीज़ है आपके पास, पेस्चुराइजेशन है। द टेक्निक विच इज़ यूज टू किल नॉन स्पोर बैक्टीरिया इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन। वो टेक्निक जो बैक्टीरिया को मतलब किल करे, नॉन स्पोर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो अपने दूसरे स्पोर्स नहीं बना सकते हैं, तो वो नॉन स्पोर बैक्टीरिया हो गया। तो मतलब ऐसी टेक्निक जो नॉन स्पोर बैक्टीरिया को किल करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेस्चुराइजेशन। इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो आपका दूध है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, तो कौन सी पेस्चुराइजेशन की टेक्निक यूज़ होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।